इसे लेके और यहाँ आ जाता है और ले जाके फंसा दिया जाता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं मिक्स 786 व्लॉग और आपका मेरे व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि जो आदमी सऊदी अरब आता है नया नया, कई कई लोगों के आपने मुँह से सुना होगा या आपने देखा होगा या जो सऊदी में रहते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि यहाँ पर आके लोग फंस जाते हैं, वो बेचारों को फंसा लिया जाता है, या तो उनको ले जाके बकरियाँ चरवाई जाती हैं या ऊँट चरवाए जाते हैं या मजरे में खेती का काम करवाया जाता है। बहुत सारे तरीकों से फंस जाता है आदमी, या हाउस ड्राइवर ने बुलाया, बहुत ज़्यादा काम है। इस सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए वही मैं बताऊँगा आपको। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइस आदमी फंसता क्यों है? जब आदमी, हम लोग कोई भी हुआ, चाहे मैं हुआ चाहे आप हुआ कोई भी हुआ, हम मेहनत करेंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हमें बोली जाती है वहाँ इंडिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल के अंदर बोली जाती है कि भाई आपको हाउस ड्राइवर में ले जाना है, आपको गाड़ी चलाना है और ले जाके फंसा दिया जाता है। आदमी फंसता कैसे वो सुनिए। मेरे एक अंकल के लड़के थे, आज से 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उनको किसी आदमी ने वीज़ा दिया, क्या बोल के दिया कि भाई वहाँ पे जाके खजूरों का बाग है, खजूरों का बाग है, उस खजूरों के पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं है आपको, वहाँ पे जो खजूरें नीचे गिर जाती है उनको बीन के आपको पैकिंग करना है, सब छाए का काम है, आपको धूप में कहीं भी नहीं जाना है। उससे उसने कितने पैसे लिए? 60,000 रुपये। अब जिस बंदे ने उसको वीज़ा दिया वो यहाँ से फ्री में लेके गया होगा। अब ये वीज़ा कौन बेचता है या कौन बुलाता है इन आदमियों को जो फंस जाते हैं बेचारे खेती में आके बकरी चराने में? यहाँ पे हमारे वहाँ पे क्या होता है, जो बहुत दूर 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 छोटे छोटे गाँव होते हैं, हम जिनको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गाँव या देहात, तो वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं, उन लोगों को बोला जाता बद्दू। वो लोग क्या करते हैं, उनके मजरे होते हैं, मजरे माने खेत होते हैं, उनके बकरियों के ऊँटों के इस टाइप के मजरे होते हैं और खेत भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो वीज़ा निकाल के किसी को देते हैं, वो या तो ले जाके बॉम्बे में भेज देता है या ये लोग बॉम्बे में एजेंट को भेज देते हैं वीज़ा। अब इनको आदमी चाहिए, अब ये लोग सच्चाई नहीं बताते कि भैया हमको मजरे के लिए आदमी चाहिए, भेड़ बकरी चराने के लिए चाहिए, खजूर तोड़ने के लिए चाहिए या खेती करने के लिए चाहिए। बोलते हैं अब जैसे मान लो सबसे सस्ता पड़ता है हाउस ड्राइवर और मजरे का वीज़ा, वो भेज दिया निकल के। अब वहाँ पे आदमी गया, वहाँ से उसने बेचारे ने अपने अरमान सजाए कि भैया वहाँ सऊदी में जाऊँगा, 4 पैसे कमा कर लाऊँगा, घर की थोड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अब वो अपना बेचारा कहीं से भी उधार उधूर पैसे लेके और यहाँ आ जाता है, अब वो फंस जाता है बेचारा। तो मेरे अंकल के लड़के का बता रहा था, उसने जब उससे पैसे लिए उसको बोला कि भाई हम 15-20 दिन के अंदर आपको सऊदी जाना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ, साथ में लेके चलूँगा। अब वो लेके आया यहाँ पर और ला के जिस कफील का वीज़ा था उस कफील के हैंड ओवर कर दिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते, या मैं भी नहीं कर सकता, या कोई भी होगा वो नहीं कर सकता इमेजिन, कम से कम 80 या 90 ऊँट छोटे बड़े और 150 से 200 बकरियां, भेड़ और बकरियां। आप खाली सोच के देखो कि एक आदमी को बोला जाए कि आपको इतने ऊँट चराने हैं, इनको देखना है, और इतनी बकरियों को भी चराना है, उनको देखना है, उनको चारा डालना है, उनको दूध दूना है और सब कुछ, यानी A to Z सारा काम आपको करना है। तो आप इमेजिन करके देखो आपको कैसा लगेगा। आपको ना तो यहाँ की लैंग्वेज आती है, आपको कुछ भी नहीं मालूम इधर का, आपको जहाँ ले जाया गया वो पूरा चारों तरफ रेत ही रेत है। वहाँ पर सिर्फ जो मजरे होते हैं ना, जो फार्म होते हैं, बस कुछ कुछ दूरी पे वो फार्म ही फार्म नज़र आएंगे बस आपको, बाकी घर कोई भी नज़र नहीं आएगा।
ना कोई दुकान, कुछ भी नहीं। अब ऐसे में क्या हुआ, उसको ले जाके वहां छोड़ दिया गया। अब वहां पर हिंदी बात करने वाला कोई भी नहीं। अब ये जो काम करते हैं ऊंट बकरी और खेत का, अधिकतर काम सूडानी, इथोपी, सोमाली, इस टाइप के लोग करते हैं, कुछ बांग्लादेशी लोग भी करते हैं। अब ये जहां पे गया वहां पे हिंदी बोलने वाला कोई नहीं। अब इसको जैसे तैसे करके इसने इंडिया फोन लगाया। अब वो कैसे लगाया, इसके पास छोटा फोन था, बड़ा फोन नहीं था, वो आगे चल के बताऊंगा फोन की स्टोरी भी। अब इसने इंडिया फोन लगा के मेरा नंबर लिया। अब मेरा नंबर लेने के बाद इसने मेरे को फोन करा। फोन करने के बाद दुआ सलाम हुई, उसने मेरे को बताया भाई मैं ये बोल रहा हूँ। और मैंने, तू कब आ गया? तो बोला भाई मेरे को, अब वो बोल के रोने लगा। अब वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि आपको बता नहीं सकता मैं। अब जब वो थोड़ी सी बात करी, उसके पास बैलेंस हो गया होगा ख़त्म, फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया। जब मैंने फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन उठा लिया। अब वो रोने लगा, बोले भाई मेरे को ऐसी सी बात है और मैं यहाँ पे ले आए, इतने सारे ऊँट हैं, इतनी सारी बकरियाँ हैं, कोई भी आसपास नहीं दिखता है। अब देखिए आदमी कैसे फंस फंस जाता है, क्या क्या मुसीबत आती है, वो सब बताता हूँ मैं आपको। वो बोलता कि जो मेरा सऊदी है, अब उसको ये नहीं मालूम कि मेरा कफील है, कौन है, क्या है, बस लाजिम उसका कफील ही होगा। वो बोलता मेरा जो सऊदी है वो हफ्ते में एक बार आता है और हफ्ते में एक बार मुझे वो रोटी और जो भी मेरे को चाहिए, दाल मुर्गी उर्गी ला के वो दे के चला जाता है। उसके बाद फिर वो एक हफ्ते बाद आता है। तब तक के बोले मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई भी नहीं इधर, मैं किससे बोलूँ, क्या करूँ, मेरे को तो घर जाना है, बस मैं मर जाऊँगा यहाँ पे, ऐसा वैसा बहुत यानी रोने लगा कि मैं बिल्कुल आगे मैं फंस गया हूँ ये वो। तो आदमी इस तरीके से फंस जाता है भाई। कई लोग सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं। तो जो मैंने उसको बताया था वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। कभी आप लोगों के साथ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं तो दुआ करता हूँ किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन कभी हो तो आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। आप अगर एक दिन में भी जा सकते हैं इंडिया, 7 दिन में भी जा सकते हैं, 15 दिन में भी जा सकते हैं, जो चीज़ मैं बताऊँगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने जब उससे बात करी कि तू कैसे आया, क्या आया, तो उसने पूरी स्टोरी बताई। तो फिर मैंने मेरे अपने कफील से बात करी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा अंकल का लड़का आया हुआ है और वो फंस गया इधर आके, उससे ऊँट चरवा रहे हैं ऐसा वैसा। तो उसने बोला इकबाल, तो उस टाइम मैं सेल्समैन का काम करता था दुकान पर, और उसने बोला, बोले इकबाल कोई बात नहीं, उससे एड्रेस ले लो, कहाँ का एड्रेस है, कौन कफील है, हम अपन चल के उससे बात करते हैं, जो भी उसको पैसा चाहिए पैसा देके अपन उसको लेके आ जाते हैं, अपन उसको अपनी दुकान पर ला कर रख लेंगे। मेरी एक अफील से बात हो गई। अब मैं उसको फोन लगा रहा हूं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा। एक्चुअली वो उसका फोन नहीं था, वो था किसी सूडानी का फोन। वो सूडानी के फोन से लेके वो बात करता था अपने घर पे, और वही सूडानियों से बोल के वो कार्ड मंगाता था, उनको वो पैसे देता था, वो उससे बात करवाते थे। अब एक दिन वो सूडानी ने फोन उठाया, मैंने उससे बोला कि ऐसी सी बात है, मेरे को वो हिंदी से बात करना है। तो बोले ठीक है, वो जब मेरे को मिलेगा, ऊँट चलाने जाते हैं, तब मैं तुमको कॉल करूँगा, मिस कॉल मारूँगा, तुम लगा के बात कर लेना। मैंने ठीक है। 4-5 दिन गुजर गए, उसके बाद उसका कॉल आया मेरे पास। मैंने कॉल उठाया नहीं, कार्ड दिया, मैंने खुद ने लगाया। अब मैंने उससे पूछ रहा हूँ कि भाई तेरा एड्रेस किधर है, तू कहाँ पर है, तू मेरे को एड्रेस बता ताकि मैं तेरे को लेने आऊँ और तेरे कफील से बात करूँ, या तेरे कफील का नंबर दे। तो ना तो उसके पास कफील का नंबर, ना फोन, कुछ भी नहीं। वो मेरे से बोलता, बोले रियाद रोड के ऊपर है,
दम्माम और रियाद के रोड के बीच में से कटिंग है, दो पुलिया आती है काली, वहां से कम 70-80 किलोमीटर अंदर वहां पे मजरा है मेरे। अब मैं कहाँ ढूंढू काली पुलिया? मैंने एक काम कर, किसी भी वो सूडानी से मेरी बात करा, मैं उससे पूछूं, सूडानियों को भी नहीं पता। ऐसे करके 10 से 15 दिन निकले, मैंने उसको बोला, मैंने सबर रख, अगर तेरा कफील आए तो उससे नंबर लेके मुझे देना, मैं बात कर लूंगा। तो बोले कफील नंबर नहीं देता। बोले मैंने उससे बोला था कि मेरे भाई से बात करवा दो, तो बोले नहीं नहीं, बोले भाई भाई से बात नहीं करना, मैं तो को नया फोन ला के देगा तब बात करना, ऐसा वैसा बोलता है वो। अब मैंने क्या करा, मैंने उसको समझाया, मैंने रोने से कोई फायदा नहीं है, अभी तू आ गया है, अभी रो मत। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो आप लोग फंस चुके हो ये चीजों को गौर करना, आपको कैसे निकलना है मैं बताता हूँ। मैंने उससे बोला, मैं आप लोगों को वो यही बता रहा हूँ, आपको करना क्या है निकलने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना। आप हाउस आवर में आके फंस गए हैं, या मजरे में आके फंस गए हैं, या ऊँट चराने में आके फंस गए हैं, बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए और सेम टू सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप सऊदी अरब आए तो आप अपने कफील को या किसी को भी ये ना बताएं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं या मैं शादीशुदा हूं। आप अगर इसे आपको लग रहा है कि मैं फंस गया हूं, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि मैं शादीशुदा हूं। आपको रोना बिल्कुल नहीं है, रोने से क्या फायदा, रोने से बेटर है कि आप उस वक्त को निकालो, क्योंकि आप वक्त को निकालोगे, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनो, आपको अपने कफील के सामने इतना खुश रहना है, इतना खुश रहना है कि आप सबसे ज़्यादा खुश हो यहाँ पर। उसके सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना है, खुश रहना है बस। वो जब भी आए बहुत अपल बहुत अच्छा काम है, मैं तो ये करूँगा, इससे बेटर अच्छा काम नहीं है, तू कफील मेरा बहुत अच्छा कफील है, उसकी तारीफ इतनी कर देना, चाहे हिंदी में करो कोई मुश्किल नहीं, बस उसके सामने हंसते हुए रहो, उसका विश्वास जीत लो आप। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस में रिपोर्ट करोगे, कहीं और जाओगे, कोई बोलेगा वहां चले जा, कोई बोलेगा भाग जा, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, भागना नहीं है, लीगल तरीके से जाना है, वही तरीका मैं बताऊंगा आपको। अगर आप भाग जाओगे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, आपको हरूप में डाल देगा, आप 3-4 साल पे जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा लगा के फिर वापस इंडिया जाना पड़ेगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको अपने जो कफील रहेगा सऊदी रहेगा, वो आए उसके लड़के आए कोई भी आए, उनके सामने बहुत खुश रहना है, भले से अकेले में बैठ के रो लो, अल्लाह के सामने बैठ के रो लो, उसके सामने इतना खुश रहना है कि उसको यकीन हो जाए कि नहीं यार इस काम में, मेरे काम में बहुत मज़ा आ रहा है और ये बहुत खुश है। खाली आपको उसको अपने विश्वास में लेना है 15 से 1 महीने तक, इतनी तो मुसीबत उठा सकते हैं आप, इतनी मुसीबत झेल लो 15 से 1 महीने तक, और उसको अपने उसमें ले लो कि तेरे से अच्छा कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर। उसके बाद जब आपका हाँ सब कुछ हो गया, देख लो कि आज वो आने वाला है, आप मजरे में हैं कहीं पे भी हैं, या आप हाउस ड्राइवर हैं, आप काम करते रहो, जिस दिन आपको ये बता रहा हूँ आ जाने वाला है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास फोन है तो अपने घर पे किसी को भी ये बोलना है कि जिस दिन मेरा कफील आएगा उस दिन मैं आपको मिस कॉल मारूंगा, जैसे ही मैं मिस कॉल मारूं समझ जाना मेरा कफील आया है, आप 4-5 बार 6 बार 8 बार मेरे को कॉल करना, अगर मैं नहीं उठाऊं तो भी करते रहना। अब जब कफील आ जाए आपका, उसके सामने हंसते रहो, हंसना सबसे बड़ी चीज़ है, आपको हंसते रहना है। घर से कॉल आए, जैसे ही कफील देख लो कि हाँ पास में खड़ा हुआ, जैसे ही कॉल आए, कॉल उठा के उनको पहले ही सब स्टोरी समझा देना, और बस आपको कुछ नहीं करना, एक्टिंग करना है, रोने लग जाना, ज़मीन पे बैठ जाना, लेट जाना, सब कुछ करना, एकदम एक्टिंग करना एक नंबर की, रोने लग जाना। अब वो पूछेगा क्या मसला हो गया तेरे साथ,
तो उसको माँ बाप किसी का नहीं बोलने का, आपकी वाइफ, अगर आप शादीशुदा हो तो वाइफ, और नहीं शादीशुदा हो तो भी शादीशुदा बन जाना, वाइफ का बता देना कि मेरी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब मेरे को जाना है, मेरे को बुला रही है। उसको यानी इतना कन्विंस कर दो कि मेरे को 10 दिन 15 दिन की छुट्टी लगा दे, मैं जाके देखता हूँ उसको कैसी है, देख दाख के मैं आ जाता हूँ। आप उसको कन्विंस कर लेंगे तो यहाँ पर अगर आपकी बीवी कुछ होता तो बहुत जल्दी छुट्टी देते हैं, माँ बाप को कुछ होता तो बोलता है खल्ली वल्ली बिना सभी ज़्यादा दुआ, बीवी के नाम से बहुत जल्दी छुट्टी देंगे। तो आपको ये वाली एक्टिंग करना है और बस उसके सामने बिल्कुल रोक के बैठ जाना है। अब वो भी सोचेगा यार ये इतना खुश रहता था, आज ये अचानक इसके घर से फ़ोन आ गया और ये रोने लग गया, इनके दिलों में रहम डाल रखा है, चाहे वो कितना भी ख़राब हो रहम है। वो आपको क्या करेगा, ठीक है मोहम्मद मैं तेरे को 15 से 20 दिन की छुट्टी देता हूँ, तू जा घर पे तेरी बीवी को देख और तू वापस आ जा। बोले हाँ मैं वापस आ जाऊँगा। अब आपको एक गलती कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना है, ध्यान रहे, नहीं तो आप सोचो कि ला मैं ये परचेजिंग कर लूँ वो परचेजिंग कर लूँ, वो आपको पैसा भी देगा, आपकी सैलरी भी दे देगा, टिकट ला के दे देगा, पासपोर्ट दे देगा, छुट्टी ला के दे देगा। अब आपको अपना क्या करना है, जो भी 2-4 जोड़ी कपड़े हैं उसको बांधो और पहली फुर्सत में निकल लो। ये है कि आप छुट्टी जाएंगे तो 3 साल तक नहीं आ सकते, अगर नहीं आए तो कोई मुश्किल नहीं, दूसरी कंट्री जा सकते हैं आप, कतर, बहरीन, दुबई, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसी मुसीबत से तो निकल जाएंगे। यही बात मेरे अंकल के लड़के को बताई थी और उसने सेम टू सेम ऐसा ही करा, तो उसके कफील ने उसको 15 दिन की छुट्टी मारी, 15 दिन बोले मैं मार रहा हूँ तेरे को 1 महीने की छुट्टी, लेकिन तू 15 दिन में आ जाना। वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकल गया, मैं इंडिया छुट्टी गया तो लिपट के रोने लगा, बोला भाई बोले बहुत अच्छा आइडिया बताया था, वो आइडिया से मेरे को तनख्वाह भी दे दी उसने, जो तनख्वाह उसकी बाकी थी वो भी सब भी दे दी, और साथ में उसने हदिया भी दिया कि ये तेरी बीवी के इलाज के लिए पैसे लेके जा। तो ये धोखा नहीं है, अपन किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आप फंस गए हो तो इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूँ, समझ में आया तो अप्लाई ज़रूर करना, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मकतब अमल चले जाओ, सूरते को बोल दो, उसको बोल दो, आपको किसी को नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं होगा, आप फंसे रहेंगे 2 साल 4 साल 5 साल तक। ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आपका, इससे सिंपल ये बात, आप किसी कोई ख़ास दोस्त भी होगा ना उसको भी नहीं मत बताइएगा, जैसे वहाँ पे आसपास जो दोस्त बन जाते हैं ना उन लोगों को मत बताइएगा कि भाई मैं ऐसी एक्टिंग करने वाला हूँ, या उनके सामने कभी मत रोना, क्योंकि अरबी बोल देते हैं एक दूसरे को। तो आपको किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं, सबके सामने खुश रहो, अकेले में अल्लाह से नमाज में दुआ करो, वहाँ अल्लाह के सामने रो लेना, जो मैंने बताया अप्लाई कर लेना, इंशाल्लाह आप इंडिया पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया बात समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर।